सभी को नमस्कार। मैं शिवशंकर, बीए पार्ट सेकंड ईयर के सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीए पार्ट सेकंड ईयर के भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल के एक टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं और टॉपिक का नाम है संसाधन भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संसाधन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वर्तमान युग में तो और भी प्रासंगिक बनता है। ये संसाधन भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के भौगोलिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें उनकी उत्पत्ति, वितरण, विशेषताएं तथा भविष्य में उपलब्धता आदि प्रमुख है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं तत्वों से करता है, जिन्हें संसाधन नाम दिया गया है। अब इसमें देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन। इसका मतलब ये ऑल ऑफ एरिया कवर करता है और प्रकृति और मानव का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही रहा है और आगे भी सकारात्मक रहे तो संसाधनों का अपन सही यूज में ले सकते हैं। आगे देखा जाए तो इसमें इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रकृति, देखिएगा यहाँ क्या वर्ड आया, उपयोग। उपयोग की प्रकृति, मात्रा, विधि तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी संसाधन भूगोल की विषय है। देखिए, संसाधनों का उपयोग हम किस तरीके से करेंगे। दूसरा इसके बाद आता है इसकी मात्रा, एक लिमिट भी होती है, मिसयूज नहीं हो, लिमिटेड, जितनी आवश्यकता हो उतनी इसकी मात्रा को यूज में लिया जाए। अगला है आया है इसमें विधि, उपयोग में लिया हमने, कितनी मात्रा में लिया, लेकिन विधि भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई विधि ऐसी होती है जिसमें वेस्टेज ज़्यादा जाता है, कई विधि होती है ऐसी होती है जिसमें वेस्टेज बहुत कम जाता है। तो संसाधनों के उपयोग, उनकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए ऐसी विधि होनी चाहिए जिसमें वेस्टेज कम हो और अधिक से अधिक संसाधन उपयोग में लाया जा सके। अगला है इसका स्थानों की भौगोलिक जानकारी, क्या है स्थान और उस स्थान की भौगोलिक जानकारी। लाइन एक है लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, देखिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रकृति, उपयोग की प्रकृति, मात्रा, विधि तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी संसाधन भूगोल का क्या हो जाएगा, विषय वस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि संसाधन भूगोल एक बहुत ब्रॉड एरिया आ गया, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई, भौगोलिक क्षेत्र भी आ गए, उनको किस तरीके से यूज में लिया जा सकता है। अब हम इसके अर्थ पे आते हैं, संसाधन भूगोल का अर्थ क्या होगा। तो देखिएगा, इसमें मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा लिख के समझाऊँगा कि इसको कैसे समझा जा सकता है। संसाधन भूगोल भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, ध्यान रखिएगा क्या आया, एक तो भूतल पर और इसमें इंक्लूड किसको किया, मानव सहित, इसका मतलब मानव के अलावा भी और चीज़ें भी हैं, मानव सहित सभी संसाधन। ठीक है, संसाधन भूगोल भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण
और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए फिर इसमें वापस आया उपयोग, उपयोग के बाद में आया है इनका खोज और दोहन। ठीक है कि हमें कहीं संसाधन मिल गए, उनको खोज भी लिया और ये पता नहीं है कि उनकी दोहन की नीति क्या होनी चाहिए। अगर सही से दोहन की नीति नहीं हुई तो आगे तक हम सस्टेनेबल तरीके से संसाधनों को यूज में नहीं ले सकते। तो वो की वो चीज़ें रिपीट हो रही है, उपयोग, विधि, स्थान। तो इसमें आया है कि उपयोग, खोज और दोहन, अर्थात भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। संसाधन का उपयोग का क्या होना चाहिए? ज्ञान। जैसे कि बहुत सारे संसाधन होंगे, अभी भी होंगे, जिनके बारे में हमको पता नहीं है कौन सी जगह पे हैं, किस तरीके के हैं, तो वो अपने लिए संसाधन नहीं है। संसाधन वही है जिसको हम उपयोग में ले सकें, जिसके बारे में पूरी जानकारी होती है, अर्थात उपयोग के ज्ञान। तब ये चीज़ें होती हैं तभी वो अपने लिए क्या कहलाएगा? संसाधन। इस दृष्टि से संसाधन भूगोल में पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए एक वर्ड बार बार आता है, क्षेत्रीय वितरण। और एक तो ज्ञान और क्षेत्रीय वितरण, मतलब कोई भी संसाधन है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन ही पता नहीं है, कौन सी जगह पर पाया जाता है क्षेत्रीय वितरण, उसके बारे में जानकारी नहीं है तो अपने लिए यूज का नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं। इस दृष्टि से संसाधन भूगोल में पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सारांशतः हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात अज्ञात प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव, वितरण एवं इसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उपयोग, प्रतिरूपों तथा संरक्षण का अध्ययन करता है। फिर से इस परिभाषा पर जाइए और देखिएगा कि नॉन अननोन, ज्ञात और अज्ञात, और दोनों चीज़ें सम्मिलित कर ली हैं इसने वापस से, प्राकृतिक और मानवीय। इन संसाधनों की खोज, उनका उद्भव, कैसे उत्पत्ति हुई, वितरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा इसमें विद्वान स्थानिक भिन्नता तथा उसके प्रतिरूपों तथा अब ध्यान रखिएगा लास्ट में इसमें वर्ड आ रहा है संरक्षण। ठीक है कि हमें संसाधन मिल गया, उसके बारे में जानकारी होगी, उसे यूज कैसे लेना है, लेकिन जब तक इनका संरक्षण नहीं होगा, कंजर्वेशन नहीं होगा, तो हम आगे की रणनीति नहीं बना सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो लास्ट में संसाधन भूगोल में प्रत्येक चैप्टर में हमें इनका कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना होगा, अर्थात इनका संरक्षण भी करना होगा। अब आगे आते हैं हम, संसाधन भूगोल का विकास कैसे होता है। देखिएगा इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ। कब? 19वीं शताब्दी में, जिसके फलस्वरूप आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। पहले क्या था? मानव भूगोल ही था बस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी नहीं थी ना रिसर्च ज्योग्राफी थी। तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले मानव भूगोल से का आर्थिक भूगोल के रूप में विकास हुआ। ठीक है, मतलब मानव भूगोल की एक और ब्रांच बन गई, क्या? आर्थिक भूगोल।
इसके बाद क्या होता है कि संसाधन भूगोल का स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव सन 1953 में हुआ था। और ये थे जिमरमैन। 1953 में जिमरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन एवं उद्योग, ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसको खूब पूछा जाता है कि विश्व के संसाधन एवं उद्योग पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखी थी ईडब्ल्यू जिमरमैन ने। ठीक है, तो भूगोल का स्वतंत्र संसाधन भूगोल की स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव सन 1953 में जिमरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन एवं उद्योग के नाम से प्रकाशन से हुआ था। इस पुस्तक में संसाधनों की पृथक व्याख्या करके उनके प्रभाव, उनका उद्योगों से पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया था। और संसाधन भूगोल में पृथक शाखा के रूप में आर्थिक क्रियाओं में आने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं का मूल्यांकन करके संसाधन वितरण, उपयोगिता तथा उनके संरक्षण के पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। अब देखिएगा, यहाँ के अब संसाधन भूगोल एकदम अलग हो गया है। पहले मानव भूगोल था, उससे आर्थिक भूगोल हुआ, और आर्थिक भूगोल से अलग होकर जिमरमैन जी ने संसाधन भूगोल का विकास किया। अब केवल संसाधनों के संबंध में इसका अध्ययन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में संसाधन भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय विज्ञानों में अंतर संबंधित होते हुए भी पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब इस पे आते हैं हम कि इसका विषय क्षेत्र क्या है संसाधन भूगोल का। विषय क्षेत्र, देखिए हम इसको, विषय क्षेत्र का मतलब है कि ये कौन कौन से एरियाओं को कवर करता है, किस किस फील्ड में इसका वर्क है। तो एक समरी के तौर पे समझें तो हम इसे चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है इसका प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण। सेकंड है मानव संसाधन, थर्ड है संसाधन उपयोग, और फोर्थ है संसाधन प्रबंधन। अब देखिएगा, इसके विषय क्षेत्र पे आते हैं तो इन चार चीजों के नाम से ही क्लियर है, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण, मतलब इनका निर्माण कैसे हुआ था, इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या थी, दूसरा ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें जैसे कई भागों में विभाजित कर देते हैं इसको, जल संसाधन, मृदा संसाधन, वनस्पति संसाधन। अब फिर इनके भी एक एक डिटेल ली जाती है कि इनमें भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। फाइनली ये है कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं और उनका उद्भव कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, उनका वितरण मतलब कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड है मानव संसाधन। जनसंख्या आजकल विश्व की बढ़ती जा रही है, स्पेशली इंडिया की तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस जनसंख्या का वृद्धि, वितरण, सांस्कृतिक आदि चीज़ों का अध्ययन भी, सांस्कृतिक वैसे अलग सब्जेक्ट हो गया लेकिन माइनर तौर पे देखें तो संसाधन भूगोल में रिसोर्स से रिलेट करके भी इसको सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जनसंख्या की वृद्धि, वितरण आदि का अध्ययन भी, जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन ही है। तो ये हो गया इसके विषय क्षेत्र का। दूसरा संसाधन उपयोग, वही परिभाषा वाली चीज़ आ गई है, अगर एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे अगले टॉपिक से तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए हमने पहले कहा था उपयोग इस जगह आया था, फिर दोबारा भी आया है उपयोग, तो इसको पूरा रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा।
अब आता है संसाधन उपयोग। जब हमें उपयोग में लेना ही नहीं आता तो उसका मिसयूज होगा और संसाधनों की कमी हो जाएगी। और लास्ट है संसाधन प्रबंधन। अगर हमें आगे आगे की पीढ़ी तक के लिए संसाधनों को सही तरीके से यूज़ में नहीं लिया तो आगे की पीढ़ी संसाधन विहीन हो जाएगी या उसकी कमी रहेगी। और इसके लिए हमने एक शब्द भी यूज लिया था, संरक्षण या कंजर्वेशन, अर्थात उसका मैनेजमेंट संसाधनों का इस तरीके से होना चाहिए, उसका यूज इस तरीके से होना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भी भविष्य की आवश्यकताओं को भी वो पूरा करे। अब आगे देखते हैं इसका अध्ययन के उपागम। अध्ययन के उपागम, हर एक सब्जेक्ट में प्रत्येक चीज़ के स्टडी के लिए डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। संसाधन भूगोल में भी इस तरीके के दो मेथड्स हैं। एक तो अध्ययन उपागम में इसका क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक अध्ययन। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, देखिए समझिएगा। क्रमबद्ध अध्ययन में क्या करते हैं कि इस विधि द्वारा संसाधनों को अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। अलग अलग अध्यायों में मतलब कैसे कैसे, जैसे कि हमने ऊपर बताया था ये जल संसाधन हो गया, मृदा संसाधन हो गया, वनस्पति हो गया, खनिज संसाधन हो गया। कैसे, खनिज संसाधनों का अलग अध्ययन करेंगे, जल संसाधनों का अलग अध्ययन करेंगे। इस तरीके से इनको विभिन्न भागों में विभक्त कर लिया जाता है और विभिन्न अध्यायों या प्रकरणों में विभाजित कर अध्ययन करने के कारण इसे प्रकरणबद्ध उपागम भी कहते हैं या क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। अगला है प्रादेशिक अध्ययन। इसमें क्या करते हैं कि प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानकर उसके संसाधनों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणतः भारत को संसाधन अध्ययन की इकाई मानने पर उसमें खनिज व शक्ति संसाधनों, जैविक संसाधनों, कृषि फसलों आदि का अध्ययन का क्रमबद्ध तरीके से विवरण दिया जाता है। मतलब इसमें अपन पर्टिकुलर एरिया में चले जाएंगे, एक विशेष क्षेत्र में चले जाएंगे। जैसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम भारत के संसाधनों का अध्ययन करें तो इस प्रकार से देखिएगा। अब सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि इसके परिचय दिया कि संसाधन भूगोल का क्या होता है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन दोनों होते हैं, उपयोग मात्रा विधि का भी ध्यान रखा जाता है और इनका भौगोलिक जानकारी या वितरण का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर अर्थ पे आते हैं तो इसमें देखिएगा भूतल और मानव सहित सभी संसाधनों को समाहित किया जाता है जिसमें इसके उपयोग, ज्ञान और क्षेत्रीय वितरण का भी जानकारी होना जरूरी है, जिसके तहत उपयोग में इसकी खोज कैसे हुई या इसका निर्माण कैसे हुआ और दोहन की विधियां क्या क्या हो सकती है। और फिर अंत में इसके अर्थ में दिया कि हमने ज्ञात अज्ञात सभी संरक्षण सभी संसाधनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक विषय वस्तु के रूप में इसके विकास को देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि जिमरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन उद्योग से इसका विकास हुआ था। और विषय क्षेत्र पे आते हैं तो देखते हैं कि प्राय इसको चार भागों में विभाजित करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण, नेक्स्ट है मानव संसाधन, नेक्स्ट संसाधन उपयोग और लास्ट है संसाधन प्रबंधन। और उपागम में जाते हैं तो क्रमबद्ध उपागम या प्रादेशिक अध्ययन, इन दोनों का प्रादेशिक अध्ययन में इसको पर्टिकुलर एरिया में अध्ययन किया जाता है। अगर आप एक बार इसकी रीडिंग लगाओगे किसी अच्छी सी टेक्स्ट बुक में तो ये पूरी डिटेल आपके समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे SMS करके पूछ सकते हो और इसे WhatsApp पे काफ़ी बार सुन के भी समझ सकते हो। धन्यवाद। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि अभी तो इसके स्टार्टिंग है, इसका अर्थ, इसका क्षेत्रीय उपागम, महत्व वगैरह ये हैं, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो कृपया सभी अपना एक एटलस या ब्लैंक एटलस को साथ में रखिएगा और डेली एटलस का अध्ययन किए करना, क्योंकि विदाउट लोकेशन आपके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आ जाए लेकिन
विद लोकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में वेयर वेयर की इम्पोर्टेंस है, मतलब कौन सा प्राकृतिक चीज़ कहाँ पे है, कौन सा नदी कहाँ से है, कहाँ पे है, कौन सा सिटी कहाँ पे लोकेट है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सा संसाधन कहाँ पे पाया जाता है, ये मैप में जानकारी होना ज़रूरी है। सभी को धन्यवाद।